किन की शादी में आई है बताइए तो जरा। हम अपने लड़के को शादी में, लड़के की शादी में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गुड इवनिंग, अभी 5 बज चुका है, शादी में आए हैं। आप सबको पता है कि दिल्ली से बिहार रिटर्न हो चुके हैं और नजारा देख करके पता चला एकदम देसी लुक। आज है देव पूजन हमारे यहाँ होता है, मतलब घर में, और हाँ देव पूजी तो देव पूजन हो जो भी बोल लीजिए, तो घर में जो देवता होते हैं, जो कुल देवता, वो उनको लोग पूजते हैं, मतलब मम्मी पापा पूजा करेंगे, सास ससुर मेरे, हाँ, और हम लोग देखेंगे बैठ करके। तो मैं सोचती हूँ कि जितना भी हो सके थोड़ा थोड़ा क्लिप मैं शूट करते जाती हूँ जैसे जैसे टाइम मिलता है तो। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए तो। और ये रही मेरी चाची, मतलब चाची सास मम्मी जी हैं, सबसे छोटी वाली, ये भी दिल्ली ही रहती हैं, देखिए पहचान लीजिए। अच्छा, हाय कर रही हैं। और आज मैं सोच रही थी, काफी दिन हो गया बात की है तो थोड़ा सा बात कर लेती हूँ आप लोगों से। अच्छा अच्छा, हम भी हैं। हाँ ये भी हैं, और ये रहे मेरे देवर जी, अगर देवर से मिलवाने लगी तो लाइन लग जाएगा, बहुत सारे लोग हैं। और एक ये रहे पिंटू, लड़ाकू विमान लखनऊ से। और एक ये रहे दानापुर से, कहाँ गए दानापुर वाले, ये दानापुर वाले, अभी मत मिलिए नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाइएगा, इतने लोग हैं कि लाइन लग जाएगा। ये बोलो ये बस बस वाली है, देखो। और ये देखिए मेरे यहाँ हर बांस से जिसको बम्बो सीट बोलते हैं वो है, उसी का पौधा है। और आज खेत का ही ब्लॉग बन रहा है क्योंकि ये गांव के बीच बीच में हम लोग चल रहे हैं, तो वहीं का ब्लॉग बन रहा है। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। और आपके यहाँ शादी में किस तरीके से मनाया जाता है वही बताइएगा, हम लोग भी बिहारी हैं, बिहार स्टाइल से ही मनता है जो भी मनता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाते जाती हूँ। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। और जिन लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, अभी के लिए फिलहाल इतना ही।
जाइए आवा देखो बताओ आवा अगर जाए तो आवा फिर हाँ दादा न बाबू डार्लिंग डार्लिंग नहीं और कोई है और कोई जो जल्दी का है तो देव पूजन होने के बाद सब लोग घर आ गए थे। देव पूजन को हमारे यहाँ देव पूजन को लोकल भाषा में देव पूजी बोलते हैं। इसका मतलब गांव से घर से बाहर जितने भी गांव में देवी या देवता होते हैं उन सबको पूजा करते हैं। मतलब जो लड़की के मम्मी या लड़के का माँ जो होता है वही पूजा करते हैं। मतलब मेरी सास पूजा की थी और उसके बाद फिर घर आने के बाद ये ऊपर वाले कमरे में सारा सामान सेट किया जा रहा है। पैर पूजते हैं, मतलब घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनको पैर पूजते हैं लड़की के या लड़के के माँ और पापा दोनों मिल करके। तो उसी के लिए साड़ी और शर्ट पैंट के कपड़ा तो पहले सेट करके हम लोग रख दिए थे। बस सिंगार का सामान, जैसे कि सिंगार का सामान देना जरूरी होता है, शुभ होता है, उसी को मैं सेट कर रही थी यहाँ पे। हार को जीत बना कर बड़े सच्चाई से प्रेम ने दिल पे वो चाहत का असर डाला है। आज इनकार की सूरत ही नहीं है कोई, हार हीरों का नहीं फूलों की जय कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा। और पैर पूजन के लिए तैयार होकर बैठे हुए हैं मम्मी पापा दोनों लोग और पंडित जी भी बैठे हुए। तो जितने भी घर के बड़े बुजुर्ग होंगे या मेरे मम्मी के मतलब मेरे सास और ससुर के जो भांजा और भांजी, आप लोग को पता ही होगा कि भांजा भांजी को भगवान का रूप माना जाता है धरती पे। तो भांजा भांजी का भी पैर पूजा जाता है। तो सबके लिए सारा सामान कपड़ा, मतलब कपड़ा पैसे भी देते हैं, पैसा जो भी आपकी इच्छा हो देते हैं। तो सारा सामान मैं सेट करके और पीछे मैं भी लेकर बैठ गई थी ताकि निकाल निकाल करके दे दूंगी। तो फिर ये लोग अपना कर लेंगे, जो भी नियम है वो कर लेंगे। तो गाइस मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और ये मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ सास है, उन्हीं का पैर पूजा जा रहा है। और ये सबसे छोटी वाली बुआ सास है, मतलब सबका ही पूछते हैं, जो भी बड़े होते हैं सबका पूछते हैं।
तो इसी तरीके से गांव में रीति रिवाज मनता है। आप लोगों को जरूर अच्छा लगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पे जरूर कर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जितना भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और ये हमारे गांव का मतलब हमारे ससुराल का हमारे बिहार का रीति रिवाज है। तो बस इतना ही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो ये ब्लॉग अच्छा लगे और इंजॉय जरूर कीजिए। पूरा वीडियो तो जरूर देखिए और पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद भी करती हूँ। ऐसे ही मैं जितना भी शादी का ब्लॉग डालती हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों से दिल से आभार मानती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो यही होता है थोड़ा गांव का रीति रिवाज, आप लोग भी देखिए इंजॉय कीजिए, बस यही कहने का मतलब है। तो फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक